अंदर इट्स सेल्फ वेट। लिखो ये, आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। लिखो इसमें, लेट रोड इज हैविंग सेल्फ वेट W, लेट रोड इज हैविंग सेल्फ वेट W, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड लेंथ L, एंड लेंथ L, जैसे कि ये रोड है, ये लेंथ L है ना, ठीक है। क्या करेंगे हम, x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लेंगे हम dx, dx एलिमेंट ले लिया हमने यहां पर, ठीक है। कंसीडर वन एलिमेंट एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम बॉटम, बॉटम से x डिस्टेंस पर हमने एक एलिमेंट लिया dx, ठीक है। So then, E is equals to W by L multiplied by X. ठीक है? So elongation in DX element is क्या लिखा मैंने यहां पे, टी मतलब सरफेस टेंशन, टी मतलब सरफेस टेंशन। तो ये जो है फोर्स पर यूनिट लेंथ है, फोर्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय एक्स भाई पर यूनिट लेंथ में कितना, जैसे अगर मैं बोलूं कि एल लेंथ पर डब्ल्यू वेट लग रहा है, सिंगल लेंथ पर कितना लगेगा डब्ल्यू बाई एल, तो एक्स लेंथ में कितना लगेगा W by L multiplied by X, ठीक है। तो T is equals to W by L X। आगे हम बात करते हैं, जैसे अगर मैं समझाना चाहूं इस बात को तो मैं समझा सकता हूं, जैसे कि इधर T फोर्स लग रहा हूं, तो यहां लग रहा होगा T plus DT, है ना। एलोंगेशन इन डीएक्स एलिमेंट कितना हो जाएगा, एलोंगेशन उसमें टी डीएक्स डिवाइड बाय ए वाई, यंग्स मॉडुलस बताया था उसके अकॉर्डिंग समझ लेना कैसे आएगा। ये क्या होता है यंग्स मॉडुलस, डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई, तो यहां पर एफ क्या हो जाएगा टी, एल क्या हो जाएगा डीएक्स और ए अपॉन वाई। टोटल एलोंगेशन निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दो जीरो से एल के लिए, यही करेंगे, टी की वैल्यू पुट कर देंगे डब्ल्यू बाय एल एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन जीरो से डब्ल्यू बाई एल ए वाई, तो बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या एक्स, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स के लिए लिमिट पुट करेंगे एल स्क्वायर बाई टू, एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा एलिमिनेशन डब्ल्यू एल एक्स डिवाइड बाई ए वाई, ये लो।